मंगेश कुडालकर के खिलाफ मोर्चा निकाल रहे हैं, तो आइए देखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि शिवसेना के धनुष बाण पर कौन दावा करेगा, एकनाथ शिंदे या उद्धव ठाकरे? उद्धव ठाकरे। अच्छा, तो उद्धव ठाकरे, आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे अब सीएम के पोस्ट से राजीनामा देंगे? वो उनका थिंकिंग है। अच्छा। वो हमारे राज्य के, अपने पक्ष के हमारे मुख्यमंत्री है, जनता के मुख्यमंत्री है, उनको अच्छी तरह से मालूम है कि हमें क्या करना चाहिए। जो सीएम पर कुर्सी के ऊपर बैठे हैं उनको मालूम है कभी क्या करना है, वो लेंगे उनका डिसीजन। तो मंगेश कुडालकर ने ये जो किया भाग के, तो आपको लगता है कि ये सही किया उन्होंने? ये गलत किया कि इसके उसका नतीजा ही सामने आ रहा है, उस पर तो लोगों का जो नतीजा बाहर आ रहा है, जिन्होंने उसको चुन के दिया भारी वोटों से, उनके साथ इसने गद्दारी की है। और ये गद्दारी करने के वजह से जो लोगों की चीड़ थी, आज जो आपने देखी होगी, जितनी महिलाएं थे, जितने जेंट्स थे, उन्होंने जो आज अपनी गुस्सा जो ये किया बाहर निकाला, वो उसके वजह से है, क्योंकि उसने गद्दारी की है, उनको फंसाया है। इसीलिए वो जो किया उसने, वो जितना गलत है उसका निषेध जितना करना उतना बहुत कर निषेध है उनका। जैसे संजय राउत ने कहा था कि महाविकास आघाड़ी से शिवसेना बाहर पे पड़ेगी, तो आपको लगता है कि ये सही है कि शिवसेना को महाविकास आघाड़ी से बाहर पड़ना चाहिए? देखो, हमारे जो जितने बड़े बड़े नेता है, वो उसके ऊपर सारी बातचीत चर्चा कर रही है, और वो चर्चा करके उनको जो सही लगते हैं वो करते हैं, और हम लोग को ये नीचे के छोटे पदाधिकारियों को आदेश देते हैं, वो आदेश का हम पालन करते हैं। मोर्चा करने का उद्देश्य हम लोग का इतना ही कि हम लोग को उनके जो मंगेश कुडालकर ने जो पक्ष के साथ गद्दारी की है, वो गद्दारी का किधर, तो हम लोग को जो हम लोग का सर्वसामान्य जनता है और अपने जो हमारे सेना के सब पदाधिकारी है, जिन्होंने उनको इतने मतलब कष्ट करके आज जो विधानसभा पे उनको भेजा था, तो उसके साथ उन्होंने हमारे पक्ष के साथ गद्दारी की है। यही हम लोग का उद्देश्य था कि उनको हमारी जो चीड़ है, हमारा गुस्सा है, वो हमें उनको दिखाना था। वो वैसे भी उनके पास गया रहेगा वो मैसेज, तो उन्होंने समझना चाहिए कि जनता में अभी उनके लिए कितना रोष है। आप बोल रहे थे कि एकनाथ शिंदे का जो पूरा टीम है वो ईडी के वजह से भागा है, तो आपको सच में लगता है कि ईडी के डर से वो लोग भागे? ईडी के डर से ही बहुत सारे जन उसमें जो ऐसे है जो ईडी के डर से ही भागे वहाँ पे। और उनके, मैं उनको यही कहना चाहती हूँ, अगर आपने तो ऐसा कुछ किया नहीं था, आपके पास इतना कौन सा बड़ा संपत्ति था जो आपको ऐसा करने पर मजबूर किया उन्होंने? वही तो, आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे सर अपने पोस्ट से राजीनामा देंगे? देखो, ये पक्ष सृष्टि का ये प्रश्न है, और उसमें हम लोग अभी तक हम लोग बोलने के लायक हम लोग को उतना कुछ ये नहीं है, राइट्स नहीं हम लोग के पास। जो भी है वो हमारे पक्ष प्रमुख, हमारे गट ऊपर के जो नेता है, वो उनके चर्चा कर चालू है उनके पास, वो देख लेंगे क्या करना है। प्राइम टाइम नेटवर्क।